हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग यहाँ सारे कलकत्ता के टीचर्स, कलकत्ता की जो फैकल्टीज़ हैं, सीए स्टूडेंट्स लोगों को जो लोग पढ़ाते हैं, हम लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। और ये स्पेसिफिकली आज इकट्ठा होने का वजह ये है कि सारे सीए स्टूडेंट लोगों को और सारे सीए की फैकल्टीज लोगों को, स्पेसिफिकली दिल्ली की जो फैकल्टीज़ हैं, जिन लोगों ने इस पूरे प्रोटेस्ट को, जो अपने एग्ज़ाम की जो कॉपी है स्टूडेंट लोगों की, उसके रीचेकिंग के राइट को लेकर के जो पूरा प्रोटेस्ट किया गया पिछले चार दिनों में, मैं उन सभी को एक बधाई का संदेश देना चाहता हूँ, एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज उन लोगों को देना चाहता हूँ। और हम लोग सभी इकट्ठे आज इसीलिए हुए हैं कि इन सब बच्चों को एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज और उनको अपने एग्ज़ाम की आगे की तैयारी के लिए एक इन्फॉर्मेशन, एक एक उनको जानकारी, उनको ये बता दें कि आपने जो अचीव करना था, आपने जो हासिल करना था, आपने ये प्रोटेस्ट पिछले चार दिनों से चलाया और आप लोगों के इस प्रोटेस्ट की वजह से सीए इंस्टीट्यूट ने एक हाई लेवल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया, जो अब इस आर्टिकल 39 रेगुलेशन 39(4) को अमेंड करने को लेकर के उसमें स्टूडेंट लोगों को ये अधिकार मिले कि उनको उनकी जो एग्ज़ाम की कॉपी है उसको रीचेक करने का उनको राइट मिले, उसको लेकर के आप लोगों ने एक मुहिम चलाई और वो मुहिम मुझे लगता है कि सक्सेसफुल रही। इंस्टीट्यूट की कमेटी बनी, अब मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट की ये कमेटी एक अच्छा रिजल्ट लेकर के सामने आएगी। कितना दिन लगेगा उनको, कितना वक्त लगेगा ये नहीं मालूम, बट अब अगर हमें ये मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट लोगों को उनका राइट टू रीचेक मिल जाएगा। एक छोटी सी बात, जिस तरह से स्टूडेंट लोगों ने और दिल्ली की फैकल्टीज़ ने और सारी फैकल्टीज़ ने इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट पे जिस तरह का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, कुछ फैकल्टीज़ क्लासरूम में, अपनी अपनी क्लासरूम में स्टूडेंट्स लोगों को मोटिवेट करते थे कि नहीं, आप लोगों की लड़ाई है, आप लोगों को लड़ना चाहिए, आप लोग किसी भी तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, आप लोग सोशल मीडिया में बैठ के ट्विटर में ट्रेंड कराइए चीज़ों को, आप लोग फेसबुक में आप इन्फॉर्म कीजिए लोगों को, आप बताइए कि हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं, किसी तरह का कोई लोगों ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं किया, हर तरह से बड़ा कोर्डियल एटमॉस्फेयर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा प्रोटेस्ट चला। और इसका अंजाम, इसका अंत मुझे नहीं मालूम कि ये परफेक्ट अंजाम है कि नहीं, बट इट लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल एंडिंग। और अभी जब सेक्शन 39 जब रेगुलेशन 39(4) अमेंड हो जाएगा, तो मैं मानूंगा कि यस, स्टूडेंट लोगों ने वो अचीव किया जो हम लोग कभी सोचा करते थे। मैं 20-25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैं सोचा करता था कि कभी इंस्टीट्यूट भी इस तरह से कोई बदलाव ला सकता है क्या, कभी इंस्टीट्यूट भी अपने सेक्शंस में, अपने रेगुलेशंस में चेंजेस ला सकता है क्या। कई सालों से हमेशा 2-4-5 स्टूडेंट हमेशा आते थे मेरे पास कि सर ये कॉपी ठीक से जांच नहीं हुई, मैंने तो अच्छा मार्क्स मैं एक्सपेक्ट करता था, मेरे को नहीं मिला मार्क्स, तो हम लोग यही बोलते थे जाओ अपनी कॉपी को रीचेक में डाल दो। पर साला पता नहीं था कि रीचेक तो कभी होता ही नहीं है, वो तो रीटोटलिंग होता है, और रीटोटलिंग होता है बच्चों को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं है इस बात से, मेरी तो कॉपी ठीक से जाँच नहीं हुई, बच्चे इस बात की तकलीफ के साथ ही जीते थे। अब लगता है कि उनको रीचेकिंग का राइट मिलेगा। एक छोटी सी बात दुष्यंत कुमार की मुझे याद आती है यहाँ पे, कि हम लोग जो चीज़ सोचा करते थे स्टूडेंट लोगों ने वो अचीव करके दिखाया, और वो लाइन है कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। स्टूडेंट लोगों ने वो पत्थर उछाला, आसमान में सुराख हुआ, और अब सेक्शन 39(4) अमेंड होगा, इस बात की उम्मीद है हम लोगों को। कलकत्ता की सारी फैकल्टीज़ इस बात से बहुत खुश हैं कि चलो कुछ तो अचीव हुआ, कुछ तो बात इंस्टीट्यूट ने सुनी। और स्टूडेंट लोगों की इस मुहिम को शांति से चलाने के लिए स्टूडेंट लोगों ने दिल्ली में धरना, दिल्ली में आईटीओ के सामने वो जाकर के बैठे, कलकत्ता में इंस्टीट्यूट के सामने लोग बैठे। मैं कलकत्ता और दिल्ली का न्यूज़ जानता हूँ, बाकी जगहों पर भी ज़रूर प्रोटेस्ट हुए होंगे, और इस प्रोटेस्ट को इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेम्बर लोगों ने सुना, कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, होपफुली इट लीड टू अ गुड एंड, और कहीं पे किसी तरह का उस तरह का अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। और क्लोज करने के पहले एक छोटी सी लाइन जो एक स्टूडेंट सारे लोगों को बोल रहा है, सारे टीचर्स को, सारे स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट की तरफ से ये छोटी सी लाइन कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा, ये भी दुष्यंत कुमार जी की लाइन है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में रहे या मेरे सीने में रहे,
हो कहीं भी आग, पर वो आग जलनी चाहिए। स्टूडेंट लोगों ने ये आग जलाई है, उम्मीद करता हूँ कि इसकी रोशनी सभी स्टूडेंट लोगों को, आने वाले सारे सीए के स्टूडेंट लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आज से आप प्रोटेस्ट वोटेस्ट के बारे में मत सोचिए, आज से आप अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, महीना भर आप लोगों के एग्ज़ाम का बचा है। सी नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, पढ़िए पास कीजिए और उम्मीद कीजिए कि सेक्शन 30 आर्टिकल 39 रेगुलेशन 39(4) अमेंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।